आज जहां पूरे देश में भाजपा सरकार एक तरफ मोदी राज के 7 साल पूरे होने की खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिलीप लहरिया जी एवं मसूरी अध्यक्ष श्री नागेंद्र राय जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और इस वार्तालाप के जरिए बिगड़ी अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया गया। साथ ही कांग्रेसियों का कहना है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से आज तक देश को सिर्फ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि नोटबंदी, बेरोजगारी, दिन ब दिन खाद्य सामग्रियों के एवं रोजमर्रा की उपयोगिता वाले वस्तुओं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को जीवन यापन में कई प्रकार से अड़चने का सामना करना पड़ा है। इस महामारी के दौरान सरकार के द्वारा जनता की समस्या को सर्वोपरि ध्यान के देने के बजाय दूसरे देशों को वैक्सीन दान करके बड़े बड़े भाषणों से अपने आप को महान बनाने में जुटे हुए हैं और अपने ही देश के लिए हुए पिछले कोरोना काल के सभी वादों को भूल गए हैं। इन सभी मुद्दों को नजर रखते हुए कांग्रेसियों की नज़र जनता की समस्या पर अटकी है, जो कि चौकीदार के गलत निर्णय द्वारा निर्मित है। केंद्र सरकार को आखिरी चेतावनी देते हुए दिलीप लहरिया जी व नागेंद्र राय जी ने सत्ता पलटने की बात कही। छत्तीसगढ़ से प्रीति सोनी की रिपोर्ट। करेगा इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 99.3% जो पुराने नोट थे वो बैंकों में चले गए, लेकिन काला धन के नाम से कोई कुछ नहीं बचा। इसलिए ये मालूम होता है कि इससे देश को केवल आर्थिक ढांचा खराब हुआ। उसके बाद इन्होंने किसानों के लिए बोला कि हम किसानों को फसल का दुगुना जो लागत है उसका लाभ देंगे। ये किसान विरोधी जो चीजें लाए, आज सरसों का तेल जो 50 रुपया किलो हुआ करता था आज 200 रुपया किलो से ऊपर हो गया है। अनाज का रेट ऊपर बढ़ते जा रहा है, किसानों को कोई रेट नहीं मिला। लेकिन इन्होंने जो काला कानून लाया किसानों के विरोध में, उससे पूंजीपतियों को फायदा हुआ। हमारे देश में आज जो कोरोना काल आया हुआ है, हमारे देश को जो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में जाके और चुनाव का बिगुल बजा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इस समय जब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वहां उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में विकट संकट आया हुआ था, लोग त्राही त्राही थे, मर रहे थे, उस समय ये वहां जाके ताली बजा रहे थे और भाषण दे रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है, ये केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए है। देश में 18,34,656 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को लोन दिया गया और उस लोन में 18,056 करोड़ रुपया उनको छूट दिया गया, जो विश्व का एक आश्चर्यजनक चीज होने जा रहा है, जिसमें लोन देने के बाद ब्याज लिया जाता है और हमारा प्रधानमंत्री उसमें देश का 9 जो पूंजी दिया गया उसका 9.3% छूट दिए, जो सीधा सीधा बैंकों का कवर टूट गया। आज कई बैंक दिवालिये के स्थिति में खड़े हैं। हम देख रहे हैं कि ये केवल और केवल पूंजीपतियों का ही गुणगान कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में पहले डकैत हुआ करते थे, पूंजीपतियों को लूट के गरीबों में बांटते थे, ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों को लूट के पूंजीपतियों का गल्ला भर रहे हैं, उनका बैंक खाता बढ़ा रहे हैं। और देश में क्या हो रहा है इस चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल और केवल पूंजीपति व्यवस्था यहाँ लादना चाह रहे हैं। रोजगार के लिए इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज जो 2014 में जो रोजगार की संख्या थी 13 करोड़ लोगों को बेरोजगारी का सामना कर रहा है, जो पहले नौकरी में थे उनको निकाला गया, मात्र इनके कार्यकाल में 73,000 लोगों को ही नौकरी दिया गया है, जिसमें 13 करोड़ लोगों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी से निकाला गया है। तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा, तो मनरेगा के तहत आपके मतलब छत्तीसगढ़ में बेरोजगार गरीबों और इस कोरोना काल में जितने भी मतलब प्रभावित लोग हैं उस पर मतलब क्या उनको फायदे मिल रहे हैं? कोरोना काल में जो स्थितियां बन गई है, लोग जाने से डर रहे हैं, घर में रहना पड़ रहा है, जो
आज लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लोगों को अपने जान का खतरा हो गया है और लोग मनरेगा में बहुत कम संख्या में आ पा रहे हैं, इसलिए उसको सफल नहीं माना जाएगा। हम कहते हैं कि गरीबों को घरों में जब तक कि कुछ राशन नहीं पहुंचाया जाएगा स्थितियां नहीं बदलेंगी, और जब तक ये कोरोना का संकट हटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। किसान सम्मान निधि जो है केंद्र सरकार बोल रही किसानों के हित के लिए किसान सम्मान निधि इस कोरोना काल में मतलब हमारे द्वारा सभी किसानों के खाते में दिए जा रहे हैं, केवल हवा हवाई है, किसी तरह का कोई राशि किसानों के खाते में नहीं आया है, ये गलत बात है। और राज्य सरकार इस पे क्या कर रहा है मतलब किसानों के हित को लेकर? किसानों के हित के लिए राज्य सरकार में जागरूकता है, वो किसानों के हर तरह से मदद के लिए तैयार है। अभी जो धान का बाकी राशि था भूपेश बघेल सरकार द्वारा, उसको लोगों तक पहुंचाया गया है, इससे बहुत बड़ा राहत मिला। पूरे देश में अपना उपलब्धि को गिना रहे हैं, तो इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले आप सबको सादर नमस्कार। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने जो नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उनके 7 साल कार्य पूर्ण होने पर जश्न मना रहे हैं, ये झूठी और जनता को गुमराह करने वाली जश्न है। इसलिए कि जब से मोदी सरकार देश में बैठा है कुछ न कुछ अनहोनी हो रहा है। सबसे पहले जनता को परेशान करने वाली उन्होंने नोटबंदी किए और उसके बाद लगातार GST बिल लागू किए, महंगाई आज सब देख रहे हैं। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो बहुत कम दामों पे पेट्रोल डीजल मिलते थे, आज 100 रुपये से ऊपर 100 रुपये पेट्रोल डीजल है, महंगाई चरम सीमा पर है। इसी तरह युवाओं को धोखा दिया गया मोदी सरकार के द्वारा कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल हम नौकरी देंगे, और आज तक वो नौकरी का आता पता नहीं है। उल्टा जब से मोदी सरकार बैठा है तब से उल्टा हर जगह जो भी फैक्ट्रियां हैं और अन्य कंपनी हैं सब जगह छटनी किया गया। युवाओं को जो रोजगार कर रहे थे उनको निकाल दिया गया, और 15 लाख खाता में हम डालेंगे करके झूठा आश्वासन दिया गया उनके द्वारा। साथ साथ अभी आप सब देख रहे हैं कि जब से हमारे देश में और पूरा दुनिया में कोरोना का भयावह संकट जो आया है, इसमें ये सरकार मोदी सरकार फेल है। वो ताली बजवाया, घंटी बजवाया और लोगों को गुमराह किया। अंत स्थिति ये बनी कि लाखों लोग की जान चली गई, और वैक्सीन की जो कमी है ग्लोबल टेंडर के लिए उन्होंने कई राज्यों को दबाव भी बना रहा है, जबकि ये वैक्सीन का जो समस्या है वो केंद्र सरकार की है। आज युवाओं में जब तक और आम नागरिक को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा हम कोरोना को हरा नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है। तो कुल मिलाकर ये जो 7 साल है इनका पूरा फेल है। मोदी सरकार जैसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ है न भविष्य में होगा। मैं तो मीडिया के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जो कम समय में बढ़िया से व्यवस्था बनाकर हमारे छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं एक मांग रखना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बहुमत है, तो बहुमत है तो सरकार उन्हीं का होना है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता में एक हिम्मत होना चाहिए कि मोदी जी को बदल कर दूसरा प्रधानमंत्री वो लोग तय करें, ताकि वो अनपढ़ से भी अनपढ़ है, हर चीज में फेल है,
और आज जो देश हमारा सच संवर कर तैयार था 70 साल में, उन्होंने जब से वो आया है 70 साल पीछे हमारा देश हो गया। आप सभी को बहुत बहुत